नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है तो पूजा अर्चना होगी देवी स्कंद माता की। स्कंद माता को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, ये हमने कल आप ही को बता दिया था। मित्रों, आज हम अगली दिवस की पूजा अर्चना यानी कि देवी कात्यायनी के छठी शक्ति के विषय में आज चर्चा करने वाले हैं कि क्यों देवी को कात्यायनी कहा जाता है, इनको प्रसन्न करके कुंडली का कौन सा भाव और ग्रह अच्छा परिणाम देने लगता है। नवग्रह तो अपना अच्छा परिणाम देते ही हैं, साथ ही आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर बात करें दाम्पत्य जीवन की, गृहस्थ जीवन की, तो भाई तमाम तरीके के सुख जो अभी आपको नहीं मिल पाए भगवती की पूजा अर्चना से आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह दिव्य महामंत्र से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जब भी आप प्रश्न हमारे साथ साझा करें अपनी पूरी डिटेल दीजिएगा। चार महा उपायों की चर्चा होगी, दैनिक राशिफल आपके साथ साझा किया जाएगा, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले दिव्य महामंत्र की ओर। ओम सर्वाय नमः, इस महामंत्र का आपको जाप करना है आज। कब करना है? प्रदोष काल के समय आप इस महामंत्र का जाप करें, 108 की संख्या में जाप करें, आपकी सारी पीड़ा दुख दर्द परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इस महामंत्र का अनुसरण करिए। आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय मित्रों आपके समक्ष है, सुबह 6 से 7:30 के मध्य यह समय रहेगा। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, किसी को कॉल करना है, किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है, तो इस समय का सदुपयोग करिए। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। सुबह 9 से 10:30 के मध्य इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है, वरना नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की महिमा क्या है। लेकिन मित्रों, आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, आज पूजा अर्चना होगी देवी स्कंद माता की। एक दिन पूर्व जानकारी देने का हमारा जो प्रयास यही है कि भाई आपकी पूजा अर्चना में किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल ना हो। जो पूजन की सामग्री आपको एकत्रित करनी है वो एक दिन पूर्व ही आप एकत्रित कर पाएं। तो विषय की ओर आ जाते हैं, फिर से जानते हैं कि कात्यायनी देवी की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा अर्चना की थी। विवाह की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए इनकी पूजा अचूक और सिद्ध मानी जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना गया है। हमने आपको पहले ही कहा था, तमाम तरीके के गृहस्थ सुख, पारिवारिक जीवन, किसी भी तरीके की समस्या हो, कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना करिए, आपकी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से कैसे आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, कौन सा आपको उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आने वाली तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये कौन सी समस्याएं होती हैं? देखिए, या तो विवाह तय होकर टूट गया है, या विवाह की सिर्फ बात होकर रह जाती है, एंगेजमेंट यानी सगाई तक जो है रस्म तक नहीं हो पाती, तो भाई आपको भगवती कात्यायनी की शरण में जाना होगा। उपाय क्या करना है? घर की उत्तर या पूर्व दिशा में एक रेशमी वस्त्र बिछाकर देवी कात्यायनी की फोटो आप स्थापित करिए। पान के पत्ते पर केसर से ह्रीम लिखकर देवी के सामने आप रखिए। गाय के घी का एक चौमुखा दीपक जलाइए। लाल आसन पर बैठ जाइए। बहुत सरल सा मंत्र आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाप करने में। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करिए। जाप के बाद यह पान का पत्ता हमेशा के लिए आप अपने पास सुरक्षित रखिए। क्या प्रभाव होगा इसका, यह भी तो जानिए। अगर आप इस पत्ते को सुरक्षित रखते हैं, अपने पास रखते हैं, पर्स में रखते हैं, देखिए दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है, विवाह की परेशानियां खत्म हो सकती हैं, पारिवारिक जीवन की भी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाएंगी।
लेकिन जब आपकी समस्या हल हो जाए तो भाई किसी जरूरतमंद जो है कन्या के विवाह के अंदर आपको मदद करनी होगी, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करना होगा, उसे भोजन कराना होगा। तो आप इस उपाय को नोट कर लीजिए, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तो मित्रों आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।